Finding a place in a new country which you call home is actually a big task. हर एक की अपनी requirements होती हैं, हर एक का अपना budget set होता है. एंड ऊपर से जब आप इंडिया से कोई एक और डिफरेंट न्यू कंट्री में आते हो, चीज़ें भी डिफरेंट होती हैं एंड काफ़ी डिफिकल्ट भी हो सकती हैं. सो यस, वी आर कनाडा ब्लॉगर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल. तो आज हम बात करने जा रहे हैं रेंटल प्रॉपर्टीज इन कनाडा. तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि किस किस तरह की यहाँ पे प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ऋषभ ने बोला, कि किस किस तरह की प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं कनाडा में. यहाँ पे बेसिकली 5 टाइप के घर होते हैं. सबसे पहले आ जाता है हमारा कॉन्डो, और फिर हमारे होते हैं अपार्टमेंट्स, देन टाउन हाउस, उसके बाद सेमी डिटैच्ड हाउस एंड डिटैच्ड हाउस. सेमी डिटैच्ड हाउस एंड डिटैच्ड हाउस कम्स विद द बेसमेंट एज वेल. यस, सो आज हम कोई भी अकोमोडेशन को अगर रेंट करने की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे शुरू करते हैं सबसे चीपेस्ट ऑप्शन से, जो है एक पेइंग गेस्ट की. सो सबसे पहले हम बात करते हैं पेइंग गेस्ट की, जैसे ऋषभ ने बताया. तो पेइंग गेस्ट सिमिलरली जैसे इंडिया में होता है कि आप रूम रेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन अवेलेबल होती है आपके पास. आप किसी भी एक घर में या सेमी डिटैच या डिटैच हाउस में आप एक रूम रेंट पे ले सकते हो. आई थिंक ये मोस्ट फिजिबल ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए यहाँ, जो यहाँ पे सिंगल आ रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट बहुत कम होती है. बेसिक रेंट $400 to $500 होता है. अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ अकोमोडेशन पे जो हम रेंट कर सकते हैं, जो हम कहते हैं बेसमेंट्स. सो बेसमेंट्स बेसिकली जैसे आपको शुरू में हमने बताया था कि नॉर्मली जो हाउसेज होते हैं सेमी डिटैच्ड हो गए या डिटैच्ड हाउसेज हो गए, उनके बेसमेंट्स होती हैं. बेसमेंट्स भी यहाँ पे दो तरह की होती है, एक होती है वॉक इन बेसमेंट्स, एक होती है वॉकआउट बेसमेंट्स. जो वॉक इन बेसमेंट्स हैं उनकी जो रेंटिंग प्राइस होती है वो कम होती है कम्पेयर टू वॉकआउट बेसमेंट्स की. अब वॉक इन और वॉकआउट का बेसमेंट का फ़र्क क्या होता है वो ऋषभ बताएंगे. तो जो वॉकआउट बेसमेंट और वॉक इन बेसमेंट्स के अंदर जो डिफरेंस है, बेसिकली वो एक मेन डिफरेंस है जो बहुत लोगों को मैटर करता है, विच इज़ एक्चुअली कि वॉकआउट बेसमेंट के अंदर आपका जो दरवाज़ा खुलेगा एंड दैट विल जस्ट लीड टू द मेन फ्लोर इटसेल्फ. तो जैसे कि क्या होता है कि थोड़े लोग जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, तो उनके लिए वॉकआउट बेसमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज बेसमेंट के अंदर रहने के बाद तुम्हारे को ऐसे लगता है कि तुम एक फ्लोर मिट्टी के अंदर रह रहे हो. So that actually matters a lot. So that's why it is more expensive also as compared to the walk-in basement. So basically sometimes you feel suffocated in walk-in basements क्योंकि एक छोटी सी विंडो होती है ऊपर, एंड अगर आप पूरा दिन आपके पास कोई बाहर का कुछ नहीं दिख रहा, स्पेशली विंटर टाइम, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू स्पेंड इन walk-in basements. बट अगर हम कॉस्ट की बात करें तो walk-in basements cost very like they are very cheap, क्योंकि normally GTA एरिया में एक वन बेडरूम वॉक इन बेसमेंट कैन कॉस्ट यू अराउंड 800 to 900 एंड कैन गो अप टू लाइक $1,000 to $1,200 एज वेल, डिपेंडिंग कौन सा एरिया है. वॉकआउट बेसमेंट्स जितनी हमने अपनी रिसर्च के टाइम देखी थी, हमने देखी थी, हमें $1,300 to $1,400 से कम नहीं दिखी थी. एंड अब द कॉस्ट हैज गॉन रियली अप, $1,600 to $1,700 की बेसमेंट्स भी अवेलेबल हैं अब तो. बट या वो ब्रांड न्यू घर है, आपको पूरा सब कुछ नया मिलता है, 2 bedroom ये होते हैं, यू गेट योर ओन लिविंग एरिया, किचन अलग, लॉन्ड्री अलग, सब कुछ अलग. तो आई थिंक बेसमेंट इज अ वेरी फीजिबल ऑप्शन फॉर समवन जो कि पहले आ रहा है, लाइक एज अ परमानेंट रेजिडेंट अगर आप आ रहे हो शुरू में. सो बेसमेंट से आप शुरू कर सकते हो कि इनिशियली आप बेसमेंट में रहो फॉर इनिशियल टाइमिंग, आपको जॉब भी ढूंढनी है और सब कुछ चीज़ें भी सेटल डाउन करनी है, तो बेसमेंट इज अ मोस्ट फीजिबल ऑप्शन इन द बिगनिंग. और अगर आप सिंगल आ रहे हो तो आप रूम भी ले सकते हो, क्योंकि शुरू में तो पैसे ही बचाने हैं यार. तो ये तो बात थी अगर आप सिंगल आ रहे हैं या आप स्टूडेंट लाइफ में भी एंटर कर रहे हैं कनाडा के अंदर, तो ये आपके लिए 2 options थी, एक बेसमेंट और दूसरी थी हमारी पेइंग गेस्ट वाली. तो अगर अब आप आ रहे हैं फैमिली मेंबर्स के साथ अपने, जो आपको एकम्पनी कर रहे हैं कनाडा में, तो उसके लिए आपकी जो अगली ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड कॉन्डोमिनियम. सो जिसके बारे में अंकिता आपको ज़्यादा बता सकती है. आई वुड लाइक टू कवर कॉन्डोमिनियम्स एंड अपार्टमेंट टुगेदर बिकॉज दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, कॉस्ट का ही फर्क होता है. रेंट नॉर्मली जो कॉन्डोज होते हैं उनका ज़्यादा होता है एंड अपार्टमेंट्स का थोड़ा सा कम होता है. मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिफरेंस $100 to $200 का होगा, पर कई बार वो $100 to $200 भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो अगर हम बात करें अपार्टमेंट्स की, बेसिकली जैसे अपने इंडिया में फ्लैट्स होते हैं, सिमिलरली टू दैट यहाँ पे भी उसी टाइप के फ्लैट्स होते हैं, उनको यहाँ पे अपार्टमेंट्स और कॉन्डोज बोलते हैं. इट्स अ क्लोज्ड बिल्डिंग, कुछ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं कॉन्डोज और अपार्टमेंट्स में, लाइक जिम होगा उनका, स्विमिंग पूल होगा अपना. एंड एक जो डिफरेंस मेन होता है अपार्टमेंट्स और कॉन्डोमिनियम्स में ये होता है कि लॉन्ड्री का, जो नए जितने भी नए कॉन्डोज बन रहे हैं, एंड कॉन्डोज आर द न्यू बिल्डिंग्स बेसिकली,
जितने भी वो नए फ्लैट्स बन रहे हैं उनमें आपकी जो लॉन्ड्री होती है आपके अपार्टमेंट नहीं होती, अपनी आपके वो टू बेडरूम या वन बेडरूम फ्लैट में होती है, अपार्टमेंट्स में ऐसा नहीं होता, या उनकी नीचे बेसमेंट में होगी, उनका अलग से लॉन्ड्री रूम होगा, नहीं तो जो आपको जो कॉइन लॉन्ड्री होती है उसके लिए जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे नॉर्मली हर प्लाजा में होती है अवेलेबल। तो अगर हम बात करें कॉस्ट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन चीज़ों के लिए, तो कॉन्डोमिनियम की कॉस्ट नॉर्मली वन बेडरूम की होती है 1400 to 1500, जिसमें आपका वन बेडरूम होगा, लिविंग होगा, किचन होगा, एंड अपार्टमेंट्स की थोड़ी सी कम होगी, लाइक $100 कम होगी, 1300, पर अब आजकल उनकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, सो टू बेडरूम कैन गो अप टू लाइक 1700, 1800, maybe 2000, अगर मोर देन 2000 ऑल्सो इन डाउन टाउन एरिया। तो गाइज इसके अंदर एक और पॉइंट है कॉन्डोमिनियम्स के लिए कि अगर आपके पास कार है तो आपके लिए जो पार्किंग स्पेस है आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है, सो दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। यप, दैट्स ट्रू। एंड सिमिलरली बेसमेंट्स में भी ऐसे होता है, कई बार आपको पार्किंग का एक्स्ट्रा से पे करना पड़ता है, कई बार नहीं पे करना पड़ता, जो कि लाइक $50 या $100 बहुत रेयर होता है, $50 इज एक्चुअली द प्राइस व्हिच पीपल गो फॉर। या ये तो हो गई बात कॉन्डोज की और अपार्टमेंट्स की, अब हम हाउसेस पे आते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है टाउन हाउस, एंड ऋषभ विल लेट यू नो अबाउट दैट। तो जो टाउन हाउस होता है बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का, जिसके आगे फ्रंट यार्ड और पीछे बैक यार्ड होता है, एंड इन द बिल्डिंग इटसेल्फ 3 floors या 2 floors होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने बेडरूम्स हैं। तो जो आपका बेसिक फ्लोर होता है जिसको हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, वहाँ पे आपका एक लिविंग एरिया होगा और एक वॉशरूम होगा, एंड देन व्यू गो अप बाय द स्टेयर्स, वहाँ पे आपका किचन प्लस आपके रूम्स होंगे एंड थोड़ा सा एरिया अकम्पनिंग द किचन इटसेल्फ टू सिट डाउन फॉर अ टेबल और लाइक इन डाइनिंग टेबल जहाँ पे होता है। और अब हम आते हैं उसकी बात की कॉस्ट पे, तो जो कॉस्ट होती है टाउन हाउस की बेसिकली इट स्टार्ट्स अराउंड $2000 एंड इट कैन गो अप टू लाइक 3000 ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पे महंगे टाउन हाउसेज भी होते हैं। सो जो टाउन हाउसेज बेसिक रेंटल आप देखना चाहते हैं अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 2000 विच आई वुड से इज एक्चुअली अ गुड प्राइस अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं। और उसके अंदर आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो यूटिलिटीज़ होती हैं दैट ऑल्सो यू हैव टू पे। तो जो यूटिलिटीज़ का बिल आता है दैट इज़ अराउंड लाइक $300 इन विंटर टाइम मैक्स टू मैक्स, और समर्स के अंदर इट कैन गो अप टू 400 and 500 के बीच के अंदर अगर पूरा दिन लाइट्स ऑन है तो। ओके, अगर हम बात करें यूटिलिटीज़ की, उसमें मैं ऐड करना चाहूँगी पॉइंट कि यूटिलिटीज़ जो टाउन हाउसेज की होती है कई बार उसमें ओनर भी पार्शल पे कर देता है, तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल लाइक 50% अगर आप पे कर रहे हो और 50% ओनर पे कर रहा है। सो तो अब हम आते हैं लास्ट ऑप्शन पे, विच इज़ अ सेमी डिटैच्ड हाउस और अ डिटैच्ड हाउस। हम इस दोनों को इकट्ठे कवर करेंगे बिकॉज ये बहुत ही रेयर ऑप्शन है जो हम रेंट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि वो जो ऋषभ ने बोला कि वो ये बहुत ही एक रेयर रेंटल प्रॉपर्टी है, क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा होता है एंड इट्स लाइक इट कैन गो फ्रॉम $2500 to $3000 एंड कई बार 3000 से भी ज़्यादा होता है, तो इट्स नॉट अ फीजिबल ऑप्शन क्योंकि इनिशियली कोई इतना स्पेंड नहीं करना चाहता। एंड व्हाट आई फील इज़ कि जितना वो रेंट होता है उतने में लोगों की मॉर्टगेज निकल जाती है, तो फिर लोग प्रेफर करते हैं कि अच्छा इतना रेंट क्यों देना, इससे बेटर है घर खरीद लो और वो मॉर्टगेज देते रहो, एटलीस्ट अपनी चीज़ बन जाएगी। पर जस्ट टू लेट यू नो कि क्या क्या इनमें ऑप्शंस होती हैं और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो वो मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। बेसिकली सेमी डिटैच्ड हाउस एक होता है कि डिटैच्ड हाउस को आप दो में काट दो और उसमें रूम्स जो होंगे वो 2 to 3 bedroom होंगे। सिमिलरली डिटैच्ड में भी 2 to 3 bedroom houses होते हैं, पर वो साइज थोड़ा बड़ा होता है। And it can go up to like 4 or 5 bedrooms also, depending upon again the locality itself. Yeah. And किचन होगी आपके साथ में, फिर सिमिलरली फ्रंट यार्ड बैक यार्ड सब कुछ होगा आपके पास, आपकी खुद की लॉन्ड्री होती है। एंड द मेन पॉइंट यहाँ पे जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, इन दोनों के साथ बेसमेंट्स आती हैं, तो लॉट ऑफ पीपल जो अगर ये रेंट करते हैं प्रॉपर्टी वो अपर पार्ट खुद अपने पास रख और जो बेसमेंट्स होती है वो लोग रेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि जितना वो रेंट खुद पे कर रहे हैं उसमें से आधा रेंट उनका वहाँ से भी निकल जाता है। तो इट्स बेसिकली कॉल्ड एज सबलेटिंग, जो हर जगह सेम ही है, लाइक इट्स यूनिवर्सल इन एवरी कंट्री। या सो दैट वॉज प्रेटी मच इट फॉर द रेंटल प्रॉपर्टीज इन कैनेडा। मैं ट्राई करूंगी जितनी हमें लिंक्स पता है कि जहाँ जहाँ पे आप रेंटल प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हो उतनी हम आपको हेल्प कर सकें और आप देख सको आने से पहले यहाँ पे, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, ट्रैवल तो हो नहीं पा रहा। डू योर रिसर्च, अपना प्रॉपर्टी ढूंढे। आई नो फाइंडिंग अ हाउस इन अ डिफरेंट कंट्री, एज वी सेड इन द बिगिनिंग, इट्स डिफिकल्ट, बट या इट्स स्टिल डूएबल, यू नो, वी वुड से दैट। या So that's it for today's video, guys, and that was it from our end regarding the rental properties in Canada. Yes. So guys, please, agar aapko hamara material acha lagta hai jo hum aapke share karte hain,
प्लीज़ उसको आगे आप शेयर करें लोगों के साथ. प्लीज़ कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी ऑफ योर क्वेश्चंस. वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज दैट मीन्स अ लॉट, यू नो दैट. बाय बाय.